आज के इस वीडियो में लोग जानेंगे कस्टम रिंगटोन कैसे अप्लाई करें अपने किसी भी MIUI के फ़ोन में। तो गाइस यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होता है MIUI के फ़ोन में कस्टम रिंगटोन को अप्लाई करना, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फ़ोन को लेते हैं और उसके बाद चलते हैं फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिल जाता है पुराना यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेट का फीचर्स। तो हम लोग साउंड एंड वाइब्रेट पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर रिंगटोन मिलता है, फ़ोन रिंगटोन, अलार्म मिलता है और इवेंट्स मिलता है और नोटिफिकेशन मिलता है। तो हमें रिंगटोन चेंज करना है तो सबसे पहले रिंगटोन ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट में जो इसका पर्सनल MIUI में दिया जाता है वह यहाँ पर तीन चार तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ऑल रिंगटोन है तो ऑल रिंगटोन में जाएंगे तो यहाँ पर हमें डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा और यहाँ पर हम किस तरह का सॉन्ग्स को, म्यूज़िक को डाउनलोड करके अपने रिंगटोन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सॉन्ग्स हैं और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट दिस रिंगटोन में हम लोग यहाँ पर ओके करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर डाउनलोड होकर ये होगा। लेकिन यहाँ पर कस्टम किसी तरह का कस्टम रिंगटोन लगाना है तब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम लोग इसी ऑल रिंगटोन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे माई पेज पर और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिंगटोन, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और फिर से हमें वही सारी चीज़ें यहाँ पर करना होगा, अप्लाई करना होगा, डाउनलोड करना होगा और यहाँ पर जितने भी रिंगटोन है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये डाउनलोड पहले से है। यहाँ पर जो कंपनी तरफ से दिया जाता है, MIUI की तरफ से दिया जाता है, वो सभी सभी यहाँ पर रिंगटोन आपको देखने को मिलेगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा प्लस का आइकन, इस प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में या रिकॉर्डिंग में या म्यूज़िक में। तो आप देख लीजिए कहाँ पर है आपका कस्टम रिंगटोन, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ से सिलेक्ट कीजिए। फिलहाल मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 फरवरी 2:41 पर मैं यहाँ पर एक रिंगटोन, यहाँ पर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग किया हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2:41 पर और ये जो रिंगटोन अभी मैं हम लोग यहाँ से प्लस किए थे वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन तरह का फीचर्स आ गया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म। तो देख लीजिए आप कहाँ पर इस कस्टम रिंगटोन को अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम लोग रिंगटोन पर अप्लाई करते हैं इसको और देखते हैं अप्लाई सक्सेसफुली। तो कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कस्टम रिंगटोन को आप अपने किसी भी MIUI के फ़ोन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल का यहाँ पर निशान भी आ गया है, यानी कि जब भी कॉल आएगा तो आपको पास यही रिंगटोन प्ले होगा। तो कुछ इस तरह से अपने फ़ोन में कस्टम रिंगटोन को अप्लाई कर सकते हैं जो कि बहुत ही ईजी है लेकिन थोड़ा कठिन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।